नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। बीते एक साल में कोरोना ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया तो लाखों लोगों को इसके कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस दौरान एक बाबा की भी मौत हुई, जिसमें अब एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल खबर उत्तर प्रदेश के महुआ की है, जहां बीते साल कोरोना से एक बाबा की मौत हुई थी। पूरे मामले की विस्तार से बात करें तो मामला उन चार बॉक्सों से जुड़ा है जो बाबा की झोपड़ी में मिले हैं। दरअसल एक साल पहले कोरोना के कारण बाबा की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों के कहने पर बाबा की झोपड़ी की छानबीन की गई, जिसमें चार नोटों से भरे बॉक्स मिले। वहीं पुलिस के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के सोनी ढाबा मैदान के पास रहने वाले बाबा की एक साल पहले कोरोना के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद आसपास के लोगों के आग्रह पर आज उनकी झोपड़ी को खंगाला गया। तो चार बॉक्सों में बड़ी संख्या में 1, 2, 5 रुपए के सिक्कों के अलावा 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट भी मिले, जिन्हें देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। जिसके बाद सभी बॉक्सों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अपने देखरेख में कोतवाली लेकर पहुंच गए और गिनती शुरू कराई, जिसमें आधा दर्जन लोगों ने तकरीबन 3 घंटे बाद गिनती पूरी की। इस दौरान झोपड़ी से 1,56,382 रुपए मिले। वहीं मामले को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट जेएन सचान ने बताया कि सोनी ढाबा के पास फुटपाथ के पास झोपड़ी बनाकर एक बाबा भीख मांगता था, जो कि वो उसी से गुजारा करता था। कोरोना संक्रमण में बीते वर्ष उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों के कहने पर रविवार को पुलिस के साथ उसकी झोपड़ी की छानबीन की गई। इस दौरान चार बॉक्सों में बड़ी संख्या में सिक्के और नोट बरामद किए गए, जिन्हें राजकोष में जमा करा दिया गया है। फिलहाल इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।